जी देखिए, दरअसल एनजीओ है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, उसने जो कावड़ यात्रा के मार्ग में तमाम दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को जो अपना नाम डिस्प्ले करने का आदेश दिया है, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है और इस मामले में जो जानकारी जो याचिकाकर्ता है सीयू सिंह, यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है, ये वो आरोप लगाते हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि सभी लोग अपना नाम और मोबाइल फोन डिस्प्ले करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये स्वैच्छिक है, यानी आप कर सकते हैं, आपसे जबरन ऐसा करवाया नहीं जा सकता है। अब यही सवाल है, अब यह भी सवाल उठाए गए हैं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है, इसका मोटिव, इसकी मंशा ये है, एक खास संप्रदाय, एक खास जो समुदाय है उसका आर्थिक बहिष्कार करने की बू इससे आती है, इसीलिए ये मामला पहुंचाया गया है। बहुत से और भी ऐसी इस तरह की याचिकाएं हैं, मोहम्मद मोहतरा की तरफ से भी इस तरह की बातें सामने आई है। तो दरअसल कावड़ यात्रा के दौरान स्वच्छता पवित्रता बनाए रखने की बात कहते हुए यूपी सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि इस मार्ग पर जो भी दुकानें आती हैं वो अपने बारे में बताएं, अपनी पहचान बताएं, मालिक का नाम क्या है ये बताएं, ताकि जो कावड़ यात्री हैं वो चुनाव कर सके कि उन्हें किन ढाबों पर, किन रेस्टोरेंट में जाना है, कैसे खाना खाना है, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी रहे। हालांकि इसी लेकर सवाल उठाया गया है कि ये इसमें मंशा खराब है, ये एक वर्ग का आर्थिक बहिष्कार करने की नीयत है। और हाल के दिनों में ये खबरें भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अगर इस पर गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कह दिया है कि भाई अगर ये फैसला है या शासनादेश है, सरकार कह रही है अगर ऐसा करिए, प्रशासन ऐसा कर रहा है, तो ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहे तो इसे नकार भी सकते हैं, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। लेकिन जी बिल्कुल यही सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है स्वैच्छिक है, याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, प्रशासन और स्थानीय पुलिस लोगों के पास जा रही है, रेहड़ी पटरियों और दुकानदारों के पास जा रही है और उन पर दबाव डाल रही है कि ऐसा करना ही पड़ेगा वरना शटर गिरा दिया जाएगा, और ऐसा लोगों ने किया है। उनका ये कहना है कि जब से उस तरह से दिख रहे हैं तब से उनकी दुकान पर, उनके रेस्टोरेंट पर, उनके ढाबों पर लोगों का आना बंद हो गया है। और कई लोग इस पर बहुत ही बड़े गंभीर सवाल उठाते हैं कि अगर इस तरह से पहचान जाहिर करने का दबाव हो तो जिस तरह का की कॉम्प्लिसिटी हमारे समाज में है, जिस तरह का ताना बाना हमारे समाज का है, जिस तरह से जातियों का पैटर्न हमारे समाज में है, अगर ये बात जातियों तक भी पहुंच जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इससे समुदायों के बीच जो वैमनस्य है वो बढ़ने की आशंका जताई कि क्या सरकार ने कोई औपचारिक आदेश इसको लेकर जारी किया है, ये भी पूछा है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए औपचारिक आदेश नहीं पारित किया गया है, बावजूद इसके पहले मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत होती है और अब पूरे प्रदेश में इस तरह के जो एक्शन है स्थानीय प्रशासन ले रहा है, ये बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि तमाम जो ढाबा मालिक हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर प्रशासन जाता है और बोलता है कि आपको नाम बदलना होगा, हमने बहुत सी तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें जो नाम थे रेस्टोरेंट के वो बदल दिए गए हैं, उसमें प्रोप्राइटरी का नाम भी मेंशन किया गया है या फिर इस तरह से नाम लिखे गए हैं ताकि ये पता चल सके कि दुकान का मालिक कौन है, किस समुदाय से संबंध रखता है। तो सवाल यह है कि अगर यह मैंडेटरी नहीं है, अगर शासनादेश नहीं है, तो क्या लोग इसे मना कर सकते हैं? अगर मना करेंगे तो क्या पुलिस उन पर दबाव बनाएगी? अगर पुलिस और प्रशासन उन पर दबाव बनाता है तो क्या उसके खिलाफ वो कोर्ट आ सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया सुजाता तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए टिप्पणी नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, अब देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ होता है, इस खबर पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं दो मिनट में भारत का। नीट परीक्षा को लेकर के दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, याचिकाकर्ता के वकील ने एनटीए के ऑनलाइन रिजल्ट देने के तरीके पर जताई आपत्ति। और एनटीए रोल नंबर की जगह दिए सीरियल नंबर, मनमाने तरीके से दिए गए सीरियल नंबर से कैंडिडेट्स की सटीक सूचना मिलना अब मुश्किल है। पेपर लीक मामले पर संसद में हंगामा, विपक्षी सांसदों ने सदन में की नारेबाजी, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। और लोकसभा में उठा पेपर लीक का मामला, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के सबूत साफ नहीं और कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई, सरकार मामले में कुछ छुपा नहीं रही और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, यह सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। पेपर लीक मामले में सदन में बोले अखिलेश यादव, कहा इस सरकार ने पेपर लीक मामले में बनाया रिकॉर्ड, छात्रों को नहीं मिल पा रहा न्याय। देश मोदी, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी।
और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट परीक्षा पर उठाए सवाल, कहा परीक्षा का सिस्टम हो चुका है पूरी तरह से फेल। लाखों छात्र जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, पैसों से खरीदे जा रहे हैं पेपर। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। परीक्षा व्यवस्था पर नहीं होने चाहिए सवाल, रिमोट पर सरकार चलाने वाले कर रहे हैं सवाल। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान। देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। अब आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने शामिल होने पर लगाया बैन, जो था वो हट चुका है। इसके अलावा मालवीय ने सरकार के फैसले का भी स्वागत किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। इधर तुर्की के इस्तांबुल में आयोडोस जंगल में तेज हवाओं की वजह से भीषण आग लग गई और देखते ही जंगल की आग कई रिहायशी इलाकों में फैल गई और इसके बाद काफी नुकसान वहां पर हुआ है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। तुर्की के इस्तांबुल के पेंडिक में आयोडोस जंगल में आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से देखते ही देखते आग पूरे जंगल में फैल गई, जिससे वहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके में अपना कब्जा जमा लिया। जंगल में आग लगने से आसपास के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि जंगल की आग धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले जंगल के आसपास रह रहे लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद जंगल में आग को बुझाने का काम भी शुरू किया गया। आग इतनी विकराल हो गई थी कि उसे बुझाना आसान नहीं था। हालात ये हो गए थे कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को मोर्चा संभालना पड़ा। हेलीकॉप्टर मदद से जंगल में आग को बुझाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए हार्ट अटैक के मामले आजकल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से खबर मिल रही है, जहां पर एक व्यक्ति जब जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, कसरत कर रहा था, उस दौरान उसको हार्ट अटैक आ गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हार्ट अटैक से एक आदमी की मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो जिम में कसरत कर रहा था। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 5 से 6 लोग एक्सरसाइज करते दिखाई दिए। इसी बीच एक आदमी कसरत करते करते रुक गया। तबीयत खराब लगने की वजह से वो एक पिलर के सहारे खड़ा हो गया, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। इस घटना से जिम में हड़कंप मच गया। कसरत कर रहे लोगों के साथ साथ